हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में हमें क्या खाना चाहिए? बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ये पता नहीं होता कि हमें कंसीव हो गया है तो अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको अगर कंफर्म हो गया है, चाहे आपके पीरियड की डेट मिस नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर आपको सिम्टम्स आ गए हैं तो आपने जो पहला काम करना है वो है रेस्ट। कि आप रेस्ट लेंगे, बहुत ज्यादा दौड़ भाग, ब्रिस्क एक्सरसाइजेस और कोई जर्नी नहीं करेंगे, कोई घर में सफाई अभियान नहीं चलाएंगे, कोई घर में कपड़े धोने का अभियान नहीं चलाएंगे। जितना हो सके नॉर्मल काम करेंगे, लाइट काम करेंगे, एक्सरसाइज के नाम पे हल्की सी वॉक आप कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना उतरना बिल्कुल नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी स्किन अभी यंग हो और आपको लगता हो कि आपके अंदर की मसल्स भी उतनी ही यंग होंगी, स्ट्रोंग होंगी। ऐसा नहीं होता, कभी कभी इसी गलती से आपका मिसकैरेज हो जाता है पीरियड से पहले ही और आपको पता भी नहीं चलता। दूसरी चीज, आप अपनी डाइट में डीएचए को इंक्रीज करेंगे। डीएचए होता किस में है? डीएचए होता है वॉलनट्स में और आमंड्स में, यानी कि अखरोट और बादाम में। तो अखरोट कितने खाने चाहिए हमें? हमें एक से दो अखरोट खाने चाहिए। कौन से अखरोट खाने चाहिए? एक तो मार्केट में छिले हुए अखरोट मिलते हैं और एक आपको बंद मिलते हैं अपने कवर के अंदर, शेल के अंदर। तो हमें शेल वाले अखरोट लेके आने हैं और उनको शेल के साथ ही आपने क्या करना है, पानी में डिप कर देना है ओवरनाइट, 4 घंटे 6 घंटे, और फिर सुबह उठते ही उसको तोड़ के खाना है। इसी तरीके से आप जो आमंड्स हैं वो 10 से 15 और 10 से 15 नहीं खाना चाहते तो आप 5 से 10 बादाम जरूर खाइए, और बादाम भी आप मार्केट से वो लेके आइए जिसके ऊपर शेल है, छिलका है, और आप उसको छिलके के साथ भिगोइए और सुबह आप दोनों को मिला के एक साथ खा लीजिए। तो इससे आपकी डीएचए जो है बहुत इम्प्रूव होगा, और उस समय क्योंकि बेबी का ब्रेन सेल्स बन रही होती हैं, हार्ट की सेल्स बन रही होती हैं, स्टेम सेल्स जिनको कहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टेम सेल्स बहुत अच्छी हेल्दी होंगी तो बेबी का हार्ट भी स्ट्रांग होगा, बेबी का ब्रेन भी क्या होगा, अच्छा होगा। इसी तरीके से आपने स्टार्ट करनी है फॉलिक एसिड। हो सकता है आपको नॉर्मली कंसीव हो गया हो, आपको फॉलिक एसिड खाने की जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ी है तो भी आपने कंसीव करने के लिए अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप फॉलिक एसिड जरूर खाइए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और नहीं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप वो दवाई खाइए। एक्चुअली हम इसको दवाई कह ही नहीं सकते, ये क्या होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये वाइटामिन बिगनिंग में ही लेते हैं, हालांकि ये 3 महीने तक आपको खानी चाहिए, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं तो कम से कम शुरू के 2-3 वीक्स आपने इसको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बचाता है क्रोमोसोमल जो सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, उससे आपके बेबी को बचाता है। इसके अलावा आपको फर्स्ट वीक में ही कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जैसे कि थायराइड और प्रोजेस्टेरोन, ये आपको देखना चाहिए। थायराइड अगर अंडर कंट्रोल नहीं है तो अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, आपने अपना थायराइड को कंट्रोल रखना है, चाहे आप हाइपर थायरॉयडिज्म से हैं चाहे आप हाइपोथायरॉयडिज्म से हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपना प्रोजेस्टेरोन लेवल कंट्रोल नहीं किया तो बेबी की ग्रोथ 2-3 वीक के बाद रुक जाती है, उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और फोर्सफुली फिर डॉक्टर्स को अबॉर्शन करना पड़ता है, अदरवाइज सेप्टिसिमिया का डर हो जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको कम से कम दिन में 2 बाउल जरूर लेने हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में इतने मिनरल्स होते हैं, क्योंकि बेबी की ग्रोथ होनी है, उस एक
इंसान के अंदर पूरा एक नया इंसान बनना है तो आपको सब कुछ चाहिए उसके लिए। तो ग्रीन वेजिटेबल के कम से कम 2 बाउल मॉर्निंग में इवनिंग में, यानी कि एक इवनिंग एक मॉर्निंग में आपने पूरे दिन में 2 बाउल जरूर लेने हैं। साथ में पल्सेस, एक एक कटोरी दाल आपने जरूर लेनी है। इसके साथ बेटर होगा अगर आप सैलेड अपनी दोनों सर्विंग में रखें, क्योंकि सैलेड से फाइबर होता है। जो बिगिनिंग में कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहती है कुछ लेडीज को, वो भी उससे रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन फ्रूट्स में ध्यान दें, पपाया, चीकू और पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना है। इसी तरीके से आपने लिक्विड का इंटेक को लेके बहुत सारे लोगों में मिसकॉन्सेप्ट होता है कि मैं पानी पीती हूं तो मुझे उल्टी आ जाती है तो इसलिए मुझे पानी नहीं पीना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप पानी पीजिए। और अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है तो कम से कम जितनी बार वॉमिटिंग आई है और जितना पानी आपकी बॉडी से बाहर गया, कम से कम उतना पानी धीरे धीरे करके फ्लेवर चेंज करके, चाहे आप मिल्क लीजिए, चाहे आप स्क्वैश लीजिए, चाहे आप कोई और फ्रूट जूस लीजिए, या आप कुछ भी छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, लेकिन आप लीजिए। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो हॉर्मोन्स जो है वो और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे और आपको और ज्यादा वॉमिटिंग आएगी। और आपने क्या देखना है कि पानी बहुत ज्यादा भी नहीं पीना। अगर आप बहुत ज्यादा लिक्विड का इंटेक करेंगे तो जो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो फिर फ्लश आउट हो जाएंगे। ज्यादा पानी पियेंगे तो आप ज्यादा टाइम वॉशरूम जाएंगे तो जो मिनरल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, वो सब क्या होंगे, बाहर फ्लश हो जाएंगे। और इनको जाना चाहिए था कहां, बेबी की तरफ, वो बेबी की तरफ उतने सफिशियंट अमाउंट में नहीं जाएंगे। तो पानी हमेशा एप्रोप्रिएट पीजिए, यानी कि आपको बार बार प्यास ना लगे उससे पहले आप पानी पीजिए। और दूसरी चीज, आपके यूरिन का जो कलर है वो येलो ना हो, व्हाइट रहे। इसके साथ आपने फूड की जो फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं करना कि आपने तो सिर्फ हस्बैंड के साथ ही मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, फिर हस्बैंड अगर नहीं आए तो आपने लंच नहीं करना, फिर आपने रात को करना है, उनके साथ ही डिनर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बल्कि आप हस्बैंड से पहले भी और हस्बैंड के साथ भी और हस्बैंड के बाद भी उनके साथ साथ आप खाना खाइए। और क्या है, थोड़ा थोड़ा खाइए, स्मॉल लॉट्स में खाइए, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाइए, उससे क्या होगा कि एकदम आपके स्टमक पे प्रेशर नहीं आएगा और वो प्रेशर आपके बेबी की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरीके से फूड में आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो खाना है उसमें आपका होल ग्रेन अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो। जो रिफाइंड जो एकदम से आटा होता है, मैदा होता है, ये आपने नहीं खाना। फाइबर जितना ज्यादा होगा, आप गेहूं का मोटा आटा लीजिए या साथ में दलिया लीजिए, किनवा लीजिए, आप बेसन लीजिए, काले चने का आटा लीजिए। इस तरीके से क्या होगा, आपके जो फाइबर का कंटेंट है वो आपकी बॉडी में ज्यादा होगा। साथ में आप कुकुम्बर ले सकते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, आप मूली ले सकते हैं, जो भी आपकी सीजनल सैलेड है आप वो ले सकते हैं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बेबी जो है वो हेल्दी ना हो। और अगर आपको बार बार डिहाइड्रेशन होता है तो कोकोनट वाटर जो है, ऐसा नहीं है कि कोकोनट वाटर ही एक सोर्स है मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपने घर में नींबू, चीनी और हल्का सा नमक घोल के बीच में आप वो ले सकते हैं। लेकिन पूरे बाद में भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको ब्लड प्रेशर है तो आपने उसको कंट्रोल रखना है। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आपने उसको चेक करते रहना है। और नमक इतना ज्यादा भी नहीं डाल लेना लेमन वाटर के अंदर कि आपका बीपी शूट अप हो जाए। तो आपने बीपी को भी कंट्रोल करना है और साथ साथ अपने बॉडी को मिनरल रिच रखना है, ताकि जब बेबी की बोन्स बनेंगी, बेबी के टीथ की स्टेम सेल्स बनेंगी, तो वो क्या हो, बिल्कुल हेल्दी हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए, और खुद तो इसको अपने अंदर ध्यान रखना ही रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।